एक ही रामायण की एक ऐसी पात्र थी जो अपने एक कुकर्म के कारण जीवन भर के लिए तो क्या आज तक के लिए बदनाम हो गई। उसके बाद से कोई भी अपनी पुत्री का नाम केकेयी नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसके द्वारा ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया गया था। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो पापी रावण का अंत करना भी मुश्किल था। त्रेता युग में कैकेय देश के राजा अश्वपति थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने आर्यावर्त जाकर ऋषि मुनियों की सेवा की। तब उन्हें सूर्य देव से वरदान प्राप्त हुआ कि उन्हें एक पुत्र व एक पुत्री का सौभाग्य प्राप्त होगा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, जिससे उन्हें पुत्र व पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम उन्होंने युद्धजीत व पुत्री का नाम केकेयी रखा। केकेयी स्वभाव से एकदम अलग थी। वैसे तो वह मधुर थी, लेकिन ईर्ष्या की भावना भी उसमें प्रबल रूप से थी। उसका मन परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता था, इसलिए उसका स्वभाव जानना मुश्किल था। जब केकेयी विवाह योग्य हो गई, तब उसका अयोध्या नरेश दशरथ के साथ विवाह संपन्न हुआ। दशरथ की प्रथम पत्नी कौशल्या थी, जो अयोध्या की प्रमुख महारानी थी तथा स्वभाव से एकदम मृदु व धैर्यवान स्त्री थी। शादी के बाद केकेयी अपनी प्रिय दासी मंथरा को भी अपने साथ ले आई थी। विवाह के बाद भी केकेयी ने अपने मायके से संबंध बनाए रखे थे। उसके भाई पिता का अयोध्या की राजनीति में दखल आम बात थी। केकेयी के बाद राजा दशरथ का एक और विवाह हुआ, जिसका नाम सुमित्रा था। इन तीनों में केकेयी राजा दशरथ को सबसे अधिक प्रिय थी। यहाँ तक कि केकेयी को राजा दशरथ का अन्य रानियों को समय देना भी अच्छा नहीं लगता था, तथा इससे वह जल्दी रुष्ट हो जाया करती थी। स्वयं राजा दशरथ ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि वे केकेयी के भय के चलते वे कौशल्या को वह मान सम्मान नहीं दे पाए जिसकी वह अधिकारी थी। एक दिन देवराज इंद्र ने दशरथ को देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। तब केकेयी भी उनके साथ गई थी। वहां राजा दशरथ बुरी तरह घायल हो गए थे। तब केकेयी उन्हें चतुराई से युद्धभूमि से बाहर दूर ले गई व वहां ले जाकर उनका उपचार किया। जब राजा दशरथ चेतना में वापस आए, तब वे केकेयी की कर्तव्य निष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने केकेयी को कोई दो वरदान मांगने को कहा, जिसके लिए केकेयी ने मना कर दिया। उस समय केकेयी के पास सब कुछ था और न ही किसी चीज की कमी थी, इसलिए उसने समय आने पर ये दो वचन मांगने की बात कह दी, जिसे दशरथ ने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीता व राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। इसके फलस्वरूप केकेयी को भरत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कौशल्या को श्रीराम व सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए। केकेयी का सभी पुत्रों से समान लगाव था, लेकिन अपने पुत्र भरत के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। जब चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करके अयोध्या वापस आ गए, तब केकेयी भी बहुत खुश थी। उसी समय उसके मायके से बुलावा आया कि उसके पिता अश्वपति का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसलिए वे भरत से मिलना चाहते हैं। तब केकेयी ने अपने पुत्र भरत व सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न को केकेय देश भेज दिया। पीछे से राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी, जिसे सुनकर केकेयी भी प्रसन्न थी। दरअसल वर्षों से यही रीति थी कि राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। चूंकि श्रीराम सबसे बड़े थे तो वही राजा बनते, इसलिए उसने कभी भी भरत के राज्याभिषेक के बारे में सोचा तक नहीं था। मंथरा, जो कि केकेयी की सबसे प्रिय दासी थी, उसने आकर केकेयी के मन में दुर्भावना को बढ़ावा दे दिया। उसने केकेयी से भरत को राजा बनाने के लिए कहा, तो केकेयी ने कहा कि यह उसके हाथ में नहीं है। तब मंथरा ने अपनी योजना बताते हुए केकेयी को बताया कि वह दो वचन दशरथ से इस समय मांग ले। ये सुनकर केकेयी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई तथा अपने पुत्र को अयोध्या का राज सिंहासन दिलवाने के लिए वह मंथरा की चाल में आ गई। उसने अपने सभी राजसी वस्त्र आभूषण त्याग दिए व साधारण कपड़ों में कोप भवन चली गई। कोप भवन वह होता है जहाँ राजा से रानियां गुस्सा होकर चली जाती है, और उस रात्रि राजा को रानी को मनाने वहां जाना ही होता है। केकेयी के कोप भवन में जाने की बात सुनकर राजा दशरथ सन्न रह गए व दौड़े दौड़े वहां आए। केकेयी ने योजनानुसार दशरथ को कुछ नहीं बताया व प्रलाप करने लगी। तब केकेयी ने उन्हें उनके दिए दो वचन याद दिलाए तथा वह देने को कहा।
राजा दशरथ कैकेयी को वे दो वचन देने को तैयार थे। तब कैकेयी ने पहले वचन में अपने पुत्र भरत का अयोध्या के राजा के रूप में बिठाने को कहा तो दूसरे वचन में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा ताकि प्रजा उनके संरक्षण में विद्रोह न कर सके, भरत को अपना राज्य स्थापित करने में पूरा समय मिल सके। ये दोनों वचन सुनते ही दशरथ पागल से हो गए थे तथा कैकेयी को भला बुरा कहने लगे थे। उन्होंने कैकेयी से यह वचन वापस लेने की बहुत प्रार्थना की लेकिन वह नहीं मानी। अंत में जब ये समाचार श्री राम को प्राप्त हुआ तब वे अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वनवास चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में गए। श्री राम के वनवास जाने के पश्चात दशरथ कैकेयी को देखकर इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसी समय उसका त्याग कर दिया तथा अपनी पत्नी मानने से मना कर दिया। इस बात से कैकेयी को कोई अंतर नहीं पड़ा क्योंकि वह अपने पुत्र भरत के राजा बनने से प्रसन्न थी। कुछ समय के पश्चात राजा दशरथ की अपने पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई। कैकेयी विधवा हो गई किंतु वह अपने पुत्र प्रेम व राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे आगे पीछे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह तो बस अपने पुत्र भरत के वापस आने व उसका राज्याभिषेक होते हुए देखना चाहती थी। दशरथ की मृत्यु के पश्चात कैकेयी देश में भरत व शत्रुघ्न को बुलावा भेजा गया। अभी तक कैकेयी ने जो कुछ किया था वह सब कुछ उसके अनुसार हुआ था तथा वह इससे बहुत प्रसन्न थी। जब उसका पुत्र भरत वापस अयोध्या आए तब उन्हें किसी भी बात का पता नहीं था। भरत पहले किसी और से ना मिले इसलिए कैकेयी ने मंथरा को उसे सबसे पहले अपने कक्ष में लाने को कहा। भरत जब कैकेयी के कक्ष में आए तब अपनी माँ को विधवा के कपड़ों में देखकर सन रह गए थे। कैकेयी ने भरत को एक एक करके सारी घटना बताई व उसके राज्याभिषेक के लिए खुशियां मनाने को कहा। जैसे जैसे भरत ने कैकेयी के मुख से सारी घटना को सुना भरत का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी तक खुश दिख रही कैकेयी पर सुखों का पहाड़ टूटने वाला था। भरत यह सब सुनकर कैकेयी पर अत्यधिक क्रोधित हो गया था तथा उसने अपनी माँ के द्वारा स्वयं पर कलंक लगाने का उत्तरदायी बताया। उसने उसी समय अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया व कैकेयी को अपनी माँ मानने से मना कर दिया। भरत ने कैकेयी से कहा कि आज के बाद से वे उसका त्याग करते हैं तथा अब से जीवन भर उसका मुख नहीं देखेंगे। ये कहकर भरत कौशल्या के कक्ष में चले गए। कैकेयी वहां सन खड़ी रह गई। अभी तक जो उसने किया था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने मंथरा की बातों में आकर क्या अनर्थ कर दिया। इसके बाद भरत ने संपूर्ण राजपरिवार समेत श्री राम को वापस अयोध्या लेने चित्रकूट जाने का निर्णय किया। वे कैकेयी को साथ नहीं लेकर जा रहे थे लेकिन कौशल्या के आग्रह पर मान गए। वहां पहुंचकर कैकेयी ने श्री राम के सामने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी लेकिन श्री राम के चरित्र को देखकर द्रवित हो उठी। उसने देखा कि श्री राम के मन में उसके प्रति कोई भी वैर भाव नहीं था। कैकेयी ने सभी के सामने अपने दोनों वचन वापस ले लिए तथा उन्हें पुनः अयोध्या लौटने को कहा, किंतु श्री राम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें दिए वचन केवल उनके पिता ही वापस ले सकते थे जो कि अब जीवित नहीं है, इसलिए उन्हें 14 वर्षों तक वन में ही रहकर जीवन यापन करना होगा। इसके बाद सब खाली हाथ अयोध्या लौट आए। भरत अपने सिर पर श्री राम की खदाव रखकर लाए व उसे अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित किया। इसी के साथ भरत ने अपने भाई श्री राम की भांति अयोध्या के निकट नंदीग्राम में 14 वर्ष तक एक वनवासी की भांति जीवन बिताने का निर्णय किया। जब कैकेयी ने ये देखा तो वह भी अपनी भूल का प्रायश्चित करने भरत की कुटिया में गई व उससे क्षमा मांगी। उसने भरत से उसके पास ही कुटिया में रहकर प्रायश्चित रहने के लिए विनती की, किंतु भरत ने उसका मुख तक नहीं देखा व वापस लौटकर राजसी सुख भोगने को कहा। जब कैकेयी वापस राजमहल में आई तब वह सूना पड़ा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, दो पुत्र वन में थे, स्वयं का पुत्र भी वनवासी बनकर जीवन जी रहा था, कौशल्या व सुमित्रा गुमसुम रहती थी। केवल कैकेयी अयोध्या के राजमहल में पागलों की भांति घूमती रहती व रोती रहती थी। वह दंड पाने के लिए तड़प रही थी। उसके पुत्र ने उसे बिना दंड दिए उसे यूं ही छोड़ दिया था, जो उसके लिए और भी दुखदायी था। राजमहल में कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। वह अकेली रहती व अपना जीवन यापन करती।
जब 14 वर्ष बीत गए तब श्री राम वापस आए व केकई को एक आशा की किरण दिखी। वह श्री राम के सामने जाने से बहुत लज्जित थी, लेकिन जब श्री राम ने उन्हें देखा तो उनकी चरण वंदना की। उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगी, लेकिन श्री राम ने उन्हें रोक दिया। इसी के साथ श्री राम ने केकई का खोया हुआ मान सम्मान पुनः लौटाया व भरत को भी आदेश दिया कि वह केकई के साथ बात करे। भरत अपने भाई की आज्ञा को ठुकरा ना सके व केकई को पुनः अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद केकई कई वर्ष और जीवित रही। अपने इस जीवन काल में उसने श्री राम का राज्याभिषेक, माता सीता का वनवास, लवकुश व अन्य पोतों का जन्म, माता सीता का भूमि में समाना व श्री राम का लवकुश को अपनाना इत्यादि देखा। उसके बाद उसने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए थे व परलोक सिधार गई थी।